अमित भाई, ये चावला एंड सन्स की अकाउंट फाइल है, मैंने इसे चेक कर लिया है, आप भी एक नजर देख लेना। फरीद, ये फाइल में कल सुबह आती देख लूंगा, आज बहुत काम है, ये सारी फाइलें क्लियर करनी है। ओके। हेलो हेलो, मैं जरीना बात कर रही हूँ। हाँ बोलो जरीना, क्या बात है? आपको याद है ना, आपने बच्चियों से वादा किया था कि आज आप उन्हें आउटिंग पे लेके जाएंगे। ओ, याद आ गया। शुक्र है आपको याद है। लीजिए, ऋषि से बात कीजिए। हेलो ऋषि बेटा। चाहे पापा, मैं आपसे नहीं बोलती, मैंने वादा किया था मैं ठीक 4 बजे घर आ जाऊंगा, मैं नहीं बोलती। सॉरी बेटा, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंचा। ओके। है मेरे दम में दम, अभी जुदा ना होंगे हम, छुपे हो मेरी आंखों में, बसे हो मेरी सांसों में, मेरे दिल की धड़कन में तुम हो, तुम हो, तुम हो। दूजे से प्यार के ये दिन इनको हमेशा याद रहे। कभी मोहब्बत होना था, तू रहे दुनिया के गम, छुपे हो मेरी आंखों में, बसे हो मेरी सांसों में, मेरे दिल के धड़कन में तुम हो, तुम हो, तुम हो। मुश्किल आसान रहे, मेरे गुलशन की गलियों से मेरी भी पहचान रहे। खुशियाँ लाए हर मौसम, यही दुआएं मांगे छुपे हो मेरी आंखों में, मेरे दिल के धड़कन में तुम हो, तुम हो, तुम हो। जब तक है मेरे दम में दम, कभी जुदा ना होंगे हम, छुपे हो मेरी आंखों में, बसे हो मेरी सांसों में, मेरे दिल के धड़कन में तुम हो, तुम हो, तुम हो।
मेरी बच्ची रोशू और मेरी बीवी अब कैसी है? अमित साहब, एक्सीडेंट के धचके ने आपकी बीवी को सकता कर दिया है और आपकी बेटी की दिमागी चोट उसकी याददाश्त छीन चुकी। पापा जान, अम्मी खामोश है और अर्शन अप्पा हमारी पहचान भूल गए हैं। ये क्या हो गया है पापा? बस यूं समझ लो बेटा, तकदीर ने हमारे रिश्ते हमसे बेगाने कर दिए हैं। आप तकदीर को डालती है ना, ये ऐसा क्यों करती है? तकदीर को डांट फिलाओ तो वो नाराज हो जाती बेटा, और एक बार बिगड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से मांगती है। आज आप स्कूल जरूर आओ पापा, आज हमारा पेरेंट्स डे है। जरूर आऊंगा बेटा, काश रोशू और आपकी मामा भी शरीक हो सकते हैं। लो भाई बच्चों, अब तुम दोनों अपनी मां के पास जाओ और इनाम के एक कप अपनी मां के कदमों में रख दो। जाओ शाबाश। मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ? मैं किचन में खाना तैयार कर रही थी, बाहर आई तो पता चला मालकिन घर में नहीं है। मैंने उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। क्या कह रही हो? कहां जा सकती, यहीं खड़ोगी? सरीना, कहाँ चली गई? मालिक को पता नहीं। सरीना, पापा मम्मी कहाँ चले गया? पापा मम्मी को लेकर आप क्यों नहीं आए? पापा बताए ना, मम्मी कहाँ है? बेटा, तुम्हारी जन्नत इस दुनिया के दोजख में कहीं खो गई।
मैंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। मालिक पापा पापा क्या हुआ तुम्हें, होश में आओ। तो क्या हुआ पापा, बोले ना पापा। डॉक्टर, डॉक्टर साहब रिपोर्ट। फरीद साहब आपका हमीद साहब से क्या रिश्ता है? डॉक्टर साहब मैं और हमीद दोस्त हैं और एक ही कंपनी में मुलाजिम है। आप जरा मेरी बात सुनिए। डॉक्टर खैरियत तो है ना? मिस्टर फरीद आपके दोस्त को ब्लड कैंसर है। और आपका दोस्त 30 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। डॉक्टर आइए मेरे साथ आइए। ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे मेरी मौत का गम नहीं है फरीद, सोचता हूं मेरी बच्चियों का क्या बनेगा, मेरी बच्चियों का क्या बनेगा हमीद, बच्चियों का क्या बनेगा। फरीद आपके दोस्त को ब्लड कैंसर है पर आपका दोस्त 30 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मेरे बाद मेरी बच्चियों का क्या होगा? दौड़ो उसे भूखे हमें रोटी खिला दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। चलो भागो, चलो चलो। नहीं नहीं, मेरी औलाद भिखारियों की तरह नहीं जिएगी। खवातीन और हजरात मुतवज्जो हूं, मैं ब्लड कैंसर का मरीज हूं और 3 छोटी छोटी बच्चियों का बाप। डॉक्टरों का कहना है मैं 30 रोज से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे बाद मेरे बच्चे लावारिस रह जाएं ये मैं नहीं चाहता। वो लोग जिनके
के अंदर इंसान अभी जिंदा है और वो बच्चा गोद लेना चाहते हो, उनसे मेरी दरखास्त है कि वो मेरे घर तशरीफ लाएं और अपनी मुराद हासिल करें। मेरा पता है 3G मॉडल टाउन लाहौर। पापा मैं जान के आप मम्मी की वजह से उदास हैं। हाँ बेटा आज मैं बहुत उदास हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हमीदुद्दीन आपका नाम है? जी मुझ बदनसीब का नाम ही हमीदुद्दीन है। जी मैंने अखबार में आपका इश्तहार पढ़ा था। आइए। आपकी बीमारी का पढ़कर बहुत दुख हुआ भाई साहब। बीमारी नहीं है तो मौत है। कितना मजबूर हूं मैं आज अपनी औलाद को खैरात की तरह बांट लूं। हौसला कीजिए भाई साहब और अपनी इस बेटी को मेरे सुपुर्द कर दीजिए। मैं ना इतनी प्यारी बच्ची है, मैं इसे फूलों के सीने पर सुलाऊंगा, इसके नाज उठाऊंगा। मैं ना ये आपके अंकल है बेटा, आप इनके साथ जाओ, ये आपको अपने घर दिखाना। पापा मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। देख बेटा इनकार नहीं करते, अंकल बुरा मान जाएंगे, आप इनके साथ जाओ बेटा, ये आपको अच्छे अच्छे खिलौने लेके देंगे, आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। मेरे पास आओ बेटा, हम खूब घूमेंगे, बड़ी सैर करेंगे, चीजें लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। आओ मेरे पास आओ मेरा बेटा, बहुत अच्छा, आओ ना। पापा आप भी मेरे साथ चले ना। नहीं बेटा, जब तक हमारा साथ था मैंने निभा दिया, अब आप अंकल के साथ जाओ। भाई साहब इसे मैंने अपने खुदा के सुपुर्द किया। सेठ करीम कहते हैं। जी जी सलाम। आई आई भाई। मुझे सेठ करीम कहते हैं और मुझे गफूरा, मैं बे औलाद हूं। अखबार में आपका इश्तहार पड़ा था, क्या आप खुदा के नाम पर अपने बच्चे बांट रहे हैं? दरअसल मैं अपनी बात अपनी औलाद को लावारिस नहीं छोड़ सकता। आप अपनी बड़ी बच्ची मुझे अनायत कर दें, मैं आपसे वादा करता हूं मैं इसे बाप बनकर पालूंगा। आओ बेटा आओ, आओ शाबाश। और ये बच्ची मुझे अनायत कर दे। ये
मेरी सबसे लाडली बेटी है, इसे मेरे सीने पे सोने की आदत है। अगर ये आपके सीने पे सोने की जिद करे तो इसकी आदत का बुरा ना मानिएगा। मेरे सीने में बाप का दिल तो था, मगर औलाद जैसी नेमत नहीं थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं इसे बाप बनकर पालूंगा। फिट, ये जो तुम मुजरा कर रही हो ना, तमाशबीन इस पे नोट नहीं, पान फेंकेंगे, वो भी तेलियां चवानियां, पता लगे पुड़पुड़ी में लग के तेली पुड़पुड़ी पाट गई है। अरे छमियां जान, काश तुमको अच्छी सी बेटी पैदा कर लेती, मैं तुम्हारे बुढ़ापे की फिक्र से आजाद हो जाता। फिक्र ना करे खान साहब, मैं छमिया के बुढ़ापे का सामान ले आया हूं। सुभान अल्लाह जी, तरो मियां, तुम्हारी शक्ल से लगता था कि तुम हमारा किसी दिन कोई काम करोगे। सुभान अल्लाह, जरा बेटी तो दिखाना है, मैं सबके जाऊं। सुभान अल्लाह, दाना कमाल लाए हो। सुभान अल्लाह जी, लो 20,000 रुपया और जाकर ऐश करो। जीते रहो भाई, खाम माल सप्लाई करने वाले। अरे सुभान अल्लाह, बच्ची को तो चामो करा। अरे बेटे घबराना नहीं, मुझसे प्यार करो। सुभान अल्लाह, आज से मैं तुम्हारा अब्बा मामू हूं। साहब जी, ये आपका लेटर। जनाब हमीद साहब, हमारे लेबोरेटरी असिस्टेंट ने गलती से किसी और की रिपोर्ट आपके लिफाफे में डाल दी। आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आपको कैंसर नहीं है, आपकी ओके रिपोर्ट पेशे खिदमत है और लेबोरेटरी आपसे माजरत खा है। लेबोरेटरी इंचार्ज इलियास राणा। Thank you.
पहले के इंतजार की शिद्दत हमें दीवाना बना दे, खुशबू के बदन से खुशबू चुराने की कीमत बताइए। मैं फन बेचती हूँ सेठ साहब, जिस्म फरोशी नहीं करती। खूब, इस दुनिया के बाजार में सब कुछ बिकता है, लगता है तुम अपने आप को महंगा बेचना चाहती हो। अपनी जवानी की कीमत लाओ खुशबू बाय। जिस्मों के खरीदारों, तुम खुशबू की बोली क्या लगाओगे? खुशबू तो अनमोल है और इस अनमोल हस्ती की कीमत तुम जैसे सरमायेदार नहीं अदा कर सकते, लेकिन तुम्हारा खुशबू से रिश्ता क्या है? दिल से जिगर का रिश्ता पूछते हो, समझ लो मैं जर्रा हूं तो खुशबू आफ्ताब, मैं कांटा हूं तो खुशबू फूल, मैं चकोर हूं तो खुशबू चांद। न जाने तुम दीवाने हो, शायर हो या आशिक, मगर याद रखना खुशबू की महक से हमारा बिस्तर जरूर महकेगा।
परिंदे हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ। मत भूलो, नफरत की इंतहा मोहब्बत है। तुम भी मत भूलो, तुम बदमाश हो और लफ्ज बदमाश मेरे लिए गाली है। अदाओं का कारोबार भी करती हो और सीने में पत्थर का दिल भी रखती हो, आखिर क्यों? कातिल हो और मोहब्बत की भीख मांगते हो, आखिर क्यों? तुमसे मोहब्बत ना करता तो तुम्हें जान से मार देता। तुमसे नफरत ना करती तो खुद अपने हाथों अपना गला घोंट लेती। जगू, मैं तुम्हें कानून के नाम पर गिरफ्तार करता हूँ। हवलदार। यस सर। लाशों को कब्जे में ले लो और जग्गू को हथकड़ी लगा लो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार मोहब्बत हूँ, हाथों में प्यार की जंजीर है, मुझे हथकड़ी लगाकर क्या करोगे? चलो। कौशल भाई, जग्गू का रास्ता जेल भी नहीं रोक सकती। अगर खुशबू की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो जग्गू जल मार देगा। और नांगत बच्चे, मैं लेया ते चंग मार दूंगा। जिन्ना जिन्ना शहर च भैणा नहीं वसिया उन्हों को इंजन तो काम लेना। तू पर मार मेले च विकन आला परौंठा। पचास वाला सौ का पचास वाला पचहत्तर का। उस्ताद उधर देख, सारी बानो अपना टिकट ब्लैक में बेच रही है और आप उनसे ऊपर का रेट दे रही है, 50 का 100 में बेच रही है। चला जिससे भी, दो हाथ कर लेते हैं। तुझे कितनी बार कहा है इस सलमे पर ब्लैक मत किया करो, इधर सिर्फ पहलवान का ब्लैक चलता है। एंकर के पहलवान का तो करे क्या, कुछ चलता है। परसों एक कोठी खाने पर छापा पड़ा, पता चला उधर भी पहलवान ही का माल चलता है। मुछल चल, हाँ छोड़, मैं किसी पहलवान को नहीं मानती। भाग के साले, सारे साले भाग के नहीं गए, कुछ स्लो स्लो भी गए ऐसे। एक तो मेरे को समझ नहीं आती तू पुलिस वाले से इतना डरता क्यों है। मानो मैं पुलिस से नहीं डरता, पुलिस की चितलाऊ से डरता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता पुलिस के टेटे को ब्लैक किया चढ़ जाए तो वो ऐसी ऐसी पोली था पर एंकर के चितलाऊ करते हैं कि अल्लाह माफी। चल चल बाकी के पैसे निकाल। अरे शुक्र है मेरी बच्ची तू आई, मैं बड़ी देर से तुम्हारा ही राह देख रहा था और मेरे पास बैठा ये बशीरा एक घंटे से तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। ए बाप, तेरे को कितनी मर्तबा समझाया, हर अरे घरे को घर में मत घुसाया कर। गफूरे बाकी तो ठीक है, अरे तो चुप कर, बाप और बेटे के दरमियान मत बोला कर। बशीरा को गैर नहीं है, ये एक मुद्दत से मेरे पास आता जाता है। अच्छा तो ये बता क्या लाई आज? दिहाड़ी तो 1000 की लगी थी, 500 पुलिस को दिया, बाकी बचा 500। ये ले 300 तू रख और ये 200 हम पान मन खाएगा।
मगर मेरी बच्ची ये 300 बहुत कम है भाई। तभी वापस कर। चलो रहने दो, ठीक है। माफ करना अपना गफूरे गैरतमंद, बच्ची जो कुछ कमा कर लाया करे, वड्डा प्याला लेके उसमें डाल के पी जाया कर। तो बकवास बंद कर, ऐसे मेरी बच्ची का चमचा बनाओ खा मखा। गफूरे, जवानी ने बानो को अंधा कर दिया है। इससे पहले जवानी बानो को नदानी का कोई और रास्ता दिखाए, बानो को मेरे हवाले कर दे। बशीरे, तू जल्दबाजी मत कर, बस तू रकम का बंदोबस्त कर। फिर इसको तो क्या, मैं इसकी मां को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हाँ, जय साहब। ये तो जिंदा है। मेरे बच्चे, मुझे कहाँ है मेरे बच्चे? आपके बच्चे आपको मिल जाएंगे। आप इन्हें जानते हैं? जी, मैं सेठ साहब का ड्राइवर हूँ। आज से 15 वर्ष पहले सेठ साहब इस औरत को लावारिस समझकर अपने घर में ले आए थे। मैंने कभी इन्हें बोलते हुए नहीं देखा, आज मैं पहली मर्तबा इन्हें बोलते हुए सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं समझ गया मिस्टर एजाज, शायद बरसों पहले किसी हादसे ने इन्हें साकत कर दिया होगा, मगर आज ये एक्सीडेंट इन्हें होश में ले आया है। आप ठीक है नमाजी? मैं ठीक हूँ बेटा, मगर मुझे जल्दी से मेरे बच्चों के पास ले चलो। आपने मिस्टर एजाज का तो शुक्रिया अदा किया ही नहीं जो आपको हॉस्पिटल लेकर आए। अगर ये आपको ना लेकर आते तो शायद आप ना बचती। शुक्रिया बेटा, लेकिन मुझे मेरे घर ले चलो। डॉक्टर साहब, मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अब ये बिल्कुल खैरियत से हैं, आप ले जा सकते हैं। थैंक यू। आइए माँ जी, आइए माँ जी, आइए। एक सेकंड। जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? माफ करना बीबी, मैं इस घर में रहता हूँ। तू झूठ बोल रहा है, ये हमीदुद्दीन का घर है, मैं इसकी बीवी हूँ। ओह माय गॉड, अब समझा, हमीदुद्दीन को ये घर छोड़े हुए 15 बरस बीत चुके हैं। सुना है उनकी बीवी कहीं चली गई और उन्हें ब्लड कैंसर हो गया था, और वो अपनी तीनों बच्चियाँ खुदा के नाम पर बेऔलाद लोगों में देकर न जाने कहाँ चले गए। नहीं। मैं आपसे आपकी यादाश्त छीन ली। आज 15 बरस बाद दूसरी चोट आपको आपको होश की दुनिया में वापस ले आई। इजाज बेटा, बेहोशी में मेरी दुनिया लुट गई, अब होश में आई हूं तो अपनी बर्बाद दुनिया का चेहरा देखने का मुझ में हौसला नहीं। वक्त ने मुझे घर से बेघर कर दिया है। जी, बेटे के घर में कोई भी मां कभी बेघर नहीं होती, पर इस दुनिया में कोई नहीं है, और आपके अपने वक्त ने छीन लिए। आजी, मैं भी आपकी तरह दुखी और अकेला हूं। आपका और मेरा दुख का रिश्ता है, और इस दुख के रिश्ते के नाते आप मेरी मां हैं, और मेरी आपको दुआ है कि आपको
आपके खोए हुए बच्चे मिल जाए। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अच्छा माँ जी, मुझे अब इजाजत दीजिए, मुझे अपनी वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस पहुंचना है। खुदा हाफिज। कौन सा घर है? कत्तर भक्त तिहत्तर। आए आए अंधा, देख नहीं सकता? दिन दिहाड़े लड़की को छेड़ता है, शर्म नहीं आती? अब कोई है? अब हाय, ओहो क्या प्रॉब्लम है आपको? कभी यहाँ से आते दिख रहती है, कभी वहां से आते। ये क्या हो रहा है भाई? सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। देखिए ना सर, मैं अपने क्लाइंट का घर ढूंढ रहा हूँ यहाँ से इधर, और ये कभी मुझे यहाँ से टकरा के मैं चक्कर मार रही थी, कभी यहाँ टकरा रही थी। क्या मुझे ये बता सकते हैं कि आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो अपने क्लाइंट का घर ढूंढ रहा हूँ जी। आप मुझे अपना निकालना दिखाइए, नहीं तो मैं आपको हदूद ऑर्डिनेंस के तहत थाने में ले जाकर बंद कर दूंगा। अरे आप गलत समझ रहे सर, मैं असल में छोड़िए, आप जरा बात सुनेंगे? चलो आइए आइए। बात यह सर कि मैं असल में अपने क्लाइंट का घर अरे सर ये लड़की जेब तराश है, इसे मैं जेब काटी है। देखिए सर मैं तो बा, आप अपना जेब देखिए। मैं अपना बटुआ हमेशा इस जेब में रखता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। सर ये लड़की जेब तराश है, पकड़ लीजिए। दूसरा जेब देखिए, हो सकता है आपने दूसरी जेब। मैं अपना बटुआ हमेशा इस जेब में रखता हूँ। अरे भाई अपनी जेब देखो तो सही। देखा देखा, हाँ वहाँ मेरे पे इल्जाम डाल रहा था। बीबी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। ए मिस्टर, तुम्हें तुम्हारा बटुआ मिल गया ना? अब जरा इधर आओ, देखिए इसमें पैसे हैं या नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। थैंक यू पापा। कम ऑन बहन, तो ये ऊंच नीच चलती ही रहती है। भाई ये हमारे बेटे का मुंह फूला हुआ है। मेरी आपसे कट्टी, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। बिल्कुल भी बात नहीं होगी? नो नो। भाई मुल्जिम को उसका जुर्म बताए बगैर सजा नहीं सुनाया करते। हम पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे का मूड क्यों खराब है? मूड तो खराब होना ही था। संभाली अपनी खटारा गाड़ी की चाबी, इस गाड़ी ने मुझे मेरी सहेलियों के सामने शर्मिंदा करवा दिया, एंड सड़क के दरमियान बंद हो गई। भाई जहां तक मुझे याद है ये गाड़ी सिर्फ 2 महीने पहले आपने खरीदी थी, ये अचानक खटारा कैसे हो गई? ओ पापा ये खटारा है, एकदम खटारा, इसे संभाल के रखिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये गाड़ी। इसकी वजह से मेरी सहेलियों ने आज मेरा मजाक उड़ाया। वेरी सैड वेरी सैड। अच्छा बाबा ऐसा करो कि कल सुबह शोरूम चली जाओ और अपनी पसंद की कोई भी गाड़ी ले लो। ओह रियली पापा, यू आर ग्रेट पापा। पापा मैं ड्रेस चेंज करके अभी आती हूँ। अरे सुनो बेटा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया, सेठ अली भाई ने आज शाम मुझे और तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। शर्मा गई बेचारी। तो सर बेटी ये डिश मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई है। थैंक यू सो मच अंकल। भैया समीर कहाँ है? उसे बुलाए ना, खाना ठंडा हो रहा है। लो समीर आ गया। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, आई एम वेरी वेरी सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। आई डोंट माइंड, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। आई नो दैट। अरे शुरू करो ना पापा, आप भी लीजिए। सेठ करीम, मैं चाहता हूं कि हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, रुखसात तुम्हारे घर बहू बनकर आ जाए, मेरा भी यही अरमान है। अब एक्सक्यूज मी, व्हाट्स प्रॉब्लम विद हिम? लगता है उसे मेरी बात पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, आप गलत समझे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पापा आप खाना खाइए, मैं समीर से खुद बात करती हूँ। Thank you.
खबर भी रची हुई है मेरे जज्बात में, खतरी मिलेगी कहाँ से आधी रात में। उड़ रे बदन मेरा भीगी बरसात में, मुझसे पिया तूने हो। सुन बसावन कैसे कटेगा मुझसे पिया तूने, तरस चुकी हूँ यार बहुत दिन बाहों में अब देने, मैं इस जुड़े केवल खोलू से खेले। उड़ ले बदन मेरा भीगी बरसात में। केस के कल पहली तारीख है, इस फाइल को चेक कर लें सर। ठीक है, इसे गाड़ी में रखवा दो, मैं रात को पढ़। थैंक यू सर। डैम, तुम मंदे हो, तुम्हें दहाई नहीं देती जन से बाउंड के लोटे करला। ठीक है जी, आई विल बी देयर। ओके, हेलो हेलो। हम्म,
अरे समीर, तुम्हारे मिजाज का मौसम कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। गड़बड़ तो पापा कर रहे हैं यार, वो मेरी शादी रुखसार से करना चाहते हैं। ओहो, आखिर इसमें हर्ज क्या है? कर लो शादी। जाजी, हम दोनों ने इकट्ठे कॉलेज लाइफ गुजारी है, हैरान हूं तू मुझे अभी तक नहीं समझ सका। मेरा आइडियल कोई और है यार। मान लिया वो तुम्हारा आइडियल है, लेकिन यार कुछ बताओ तो सही कि वो कौन है और कहां रहती है। वो कहां रहती है, वो कौन है, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जिस दिन वो मुझे मिल गई उस दिन मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। समीर, आइडियल ख्वाब होते हैं, धुआं होते हैं, ये जिंदगी की मुट्ठी में कभी बंद नहीं होते। जाजी मुझे मायूस मत कर यार, आगे मैं बहुत परेशान हूं। अपनी परेशानी को रख उधर और चल मेरे साथ। मगर कहा? अरे उसी बाजार में जहां वो मशहूर रकासा रहती, उससे मजबूत बच्चों का शो करवाना है मुझे। छोड़ यार, वो भी कोई जाने की जगह है। अरे समीर, वहां भी खुदा की मखलूक बसती है और खुदा की मखलूक से इतनी नफरत अच्छी नहीं। चल। आजा। घर में कोई है जी? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम इजाज़ है और मेरा दोस्त समीर। अस्सलाम वालेकुम। हमें खुशबू जी से मिलना है। खुशबू से मिलना है तो काम और दाम बताइए हुजूर। जी मैं माजूर बच्चों का शो करवाना चाहता हूँ, खुशबू जी के नाच की धूम सुनकर हम आपके कोठे पर आए हैं। खुशबू के फन के दमके तो पूरे शहर में बज रहे हैं, आप बताइए आप इस शो की कीमत क्या अदा कर सकते हैं? कीमत? आप गलत समझी हैं भाई जी, फनकार पर फन की ज़कात लाजिम है। अगर वो अपना थोड़ा सा कीमती वक्त इंसानियत पर खर्च कर दें तो बहुत से मजदूर और पांच बच्चों की दुआ ले सकती हैं। तवायफ के घुंघरू नकदी देखकर छन छन करते हैं, बेहतर यही है कि आप तशरीफ ले जाए। चलो समीर। कह रहे इजाज, मैं पहली दफा तुम्हारे साथ इस घटिया जगह पर आया हूं। भाई जी से पूछो खुशबू की कीमत क्या है, मैं भी और इसी वक्त वो कीमत देने के लिए तैयार हूं। नहीं, गुनाह बेचती हूँ लेकिन सवाब नहीं बेचूंगी। मैं हर रात दौलत के लिए नाचती हूँ लेकिन एक रात इंसानियत के लिए जरूर नाचूंगी। खुशबू, तवाइफ़ज़ादे अगर अपने जलवे खराब में बांटने लगे तो उनकी जवानियां बीमार बिक जाती हैं। मैं जानती हूँ माँ तुम्हें दौलत से बहुत प्यार है, लेकिन दौलत ही सब कुछ नहीं होती। जाइए साहब, मैं आपका शो जरूर करूंगी। खुशबू जी, आज पहली बार इस बाजार में किसी इंसान से मुलाकात हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चल समीर। अरे समीर, अरे चली गई, चल। अबे चल टर्की।
मछली थाल सिलाई छोली अब ते हो गई तंग सजना पिछली थाल सिलाई छोली अब ते हो गई तंग सजना ऐसी जवानी की मस्ती छड़ी हो ऐसी जवानी की मस्ती छड़ी हो गई मस्त मलंग सजना पिछली साल सिलाई छोली अब के हो गई तंग सजना ऐसी जवानी की मस्ती छड़ी हो गई मस्त मलंग सजना पिछले साल सिलाई छोली अब के हो गई तंग सजना कोई सीटी हमारे कसी कसी चोली से जोगन तुझको करे इशारे देख के मेरी भरी जवानी हर कोई सीटी हमारे होंठों की होंठों से सुर्खी छुरा हो होंठों की होंठों से सुर्खी छुरा सांसों के होने दे जंग सजना पिछले साल सिलाई छोली अब के हो गई तंग सजना पिछले साल सिलाई छोली अब के हो गई तंग सजना ऐसी जवानी की मस्ती छड़ी हो ऐसी जवानी की मस्ती छड़ी हो गई मस्त मलंग सजना पिछले साल सिलाई छोली अब के हो गई तंग सजना आप बहुत अच्छा नाचती हैं। मैं आपके फन का फैन हो गया हूँ। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप? एक वक्त आता है जब जबान जज्बों का साथ नहीं देती, देखती आंखें
दिल की धड़कन बन जाती है। इसी जज्बे और कैफियत का नाम पूछने आया हूं मैं। हम जज्बे नहीं, जेब देखा करते हैं। अगर हमारी बात की समझ न तो कोठे पर आ जाइएगा। सरापा, वो जो बूढ़ा शख्स चीखता चिल्लाता हुआ अपनी आंखों में जज्बों की बरसात लिए इस कोठे पर आया था, वो कोई गैर नहीं, मेरा बाप था। सोचो आपा, मैं कितनी बदनसीब बेटी हूं कि परसों बाद मेरा बाप मेरे सामने आया और मैं बाबा जी ने कहकर उनके सीने से न लग सकी। काश इस अधूरी मुलाकात से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर तुमने उन्हें पहचान ही लिया था तो फिर उन्हें वापस क्यों जाने दिया? उनका हाथ थाम के इस कोठे से उतर क्यों ना गई? कैसे थाम लेती अपने बाबा का हाथ? मुझे डर था कि अगर वो मुझे पहचान लेते तो गैरत से मर जाते, क्योंकि कोई भी गैरतमंद बाप अपनी बेटी को शमह खाना देखना चाहता है, शमह महफिल के रूप में नहीं। जग्गू, मेरा रास्ता छोड़ दे। जो रास्ता खुशबू के कोठे की तरफ जाता है, अगर तू वो रास्ता नहीं छोड़ेगा तो जिंदगी तेरा साथ छोड़ देगी। चल बाबा चला जा। और वैसे भी हम कहां से पावे खाने आए हैं? मोहब्बत और जंग के खिलाड़ी जान हथेली पर लेकर आते हैं। मेरा रास्ता छोड़ दे वरना खून खराबा होगा। जग खून बहाने का आदि है। आज इस बाजार की दीवारों पर तेरे खून से मैं एक नई दास्तान लिखूंगा। की वजह क्या है? एक औरत, मेरा बेटा खुशबू बाई का आशिक और जग्गू उसका पुजारी, यह जग्गू से उसकी पूजा चुराने आया था। अगर आज के बाद यह इस बाजार में नजर आया तो तुझे अपने पूरे कंधों पर इसकी लाश उठाकर जाना होगी। झगड़ा अगर समीर की वजह से है तो जाओ, यह अली भाई का वादा है कि आज के बाद समीर इस बाजार में कभी नहीं आएगा। हमारा तो खैर इसी बाजार में आना जाना है, पीना खाना है। चोर 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 चोर, मैं लुट गया। चोर Thank you.
लड़की। मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाओ। आजा आजा आजा, बैठ जाए इधर। अब जरा सोच के जवाब दे कि अगर बेटियां ही लूटने लगेंगी तो घर की चादर किसके सर पे रखेंगे? जवाब न मांग बुढ़े, लूट के माल में से अपना हिस्सा मांग। तीन बेटियों का बाप हूं, इसलिए जब भी किसी बेटी को देखता हूं हाथ उठा के उसके अच्छे कर्मों की दुआ मांगता हूं। लुटेरों की इस दुनिया में अकेला मुसलमान है तू, जो दुआओं के जोर पे जीता है। माल पकड़ माल, दुआओं पे एतबार ना कर। मजदूर की कमाई से पसीने की खुशबू ना आए तो वो भूख पे गुजारा कर लेता है, लूट के माल से हिस्सा नहीं मांगता। ये जो साला पेट है ना, ये खाने को रोटी मांगता है, किसी का गोली नहीं मांगता। आंखों में शर्म न रहे तो मौत मांग लेते हैं, खाने को रोटी नहीं मांगते। हाँ, लगता स्कूल में पढ़ने आ गया। तेरे पेट में बड़ा दम है बुड्ढे, पर अपन को भूख लगता है, रोटी का टाइम हो तो स्कूल से छुट्टी। सुन, कभी सीधा रास्ता दिखाई दे जाए तो फटके हुए माजी को पैरों की धूल में छोड़ देना, यहां तुझे तेरी मंजिल मिलेगी। कभी पेट ने कहा कि रोटी नहीं चाहिए तो रोजा रखने तेरे घर आ जाऊंगी, ये वादा है बानो का। कसूरी भाई, कसूरी भाई, सुभान अल्लाह, शहर के मशहूर रईस जी। भैया जी, हमारी कोठी की सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हैं। सुभान अल्लाह, क्या खबर सुनाई है बहना, अल्लाह तुम्हें हज कराए। आइए आइए आइए, बहनी जी बंदी सलामत करती है। लोग कहते हैं तुम्हारे कोठे पर एक कयामत ने जन्म लिया है, सुना है कि वो अंगड़ाई लेती है तो लगता है कायनात दूर फूट रही है। कहाँ है वो हुस्ने भी मिजाज? आप तशरीफ रखिए, मैं अभी बुलाती हूँ। खुशबू बेटी, खुशबू बेटी। चलता हुआ जिस्म है, होंठ तहकते अंगारे, आंखें जैसे चमकते हुए सितारे। खुशबू, सैयद जी को सलाम करो। भाई जी, इन्हें कुछ मत कहो, हुस्न को हमेशा इश्क ही सलाम करता है। वैसे भी हुस्न मगरूर ना हो
तो लुत्फ नहीं आता। जी चाहता है वक्त ठहर जाए और हम खुशबू का चेहरा देखते रहें। चश्मे बद्दूर, अगर आज हमने तुम्हारे हुस्न का सदका ना उतारा तो तुम्हें हमारी नजर लग जाएगी। बदतमीजी है। हमारे शौक को बदतमीजी का नाम मत दो खुशबू। आप गलत जगह आए हैं सैया जी। मैं अपने घुंघरों की झनकार बेचती हूँ, अपने पांव से उतरा हुआ घुंघरू भी नहीं बेचती। भाई जी, तुम्हारा माशूक बहुत गुस्ताख है। ये लो 2 लाख। ये खुशबू की जवानी का बयाना नहीं, हमारे आने का बहाना समझकर रख लो, फिर आएंगे और सैया जी खुशबू को साथ ले जाएंगे। पूरा 50,000 है। मुझे यकीन है ये पूरे ही होंगे। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम मेरी आरजू पूरी करो। वो पूरा भी अपने कॉल का पक्का है। बानो अंदर सो रही है। तू जा। मेरी मेहनत की कमाई के नोटों में कितनी खुशबू है। किसका इजाजत से? तेरे बाप की इजाजत से, जो तेरी कीमत वसूल करता है। चुपचाप वापस चले जा, नहीं तो तेरा मुंह नोच लूंगी। मानो गुस्सा थूक दे, आ मेरे सीने से लग जा, आज मैं तुझे नई दुनिया दिखाऊंगा। अरे ये तुमने क्या किया, बशीरे का खून कर दिया है? हाँ अपन खून कर दिया। जी तो चाहता है कि सारे जहां का बारूद तेरे सीने में उतार कर तेरे को भी इस लाश की तरह गिरा दूं। अरे मेरी बच्ची, मुझे मत मारना, मैंने तुम्हें पाला है। मैं हूं तुम्हारा बाप हूं। तू बाप नहीं, एक घटिया इंसान है जिसने चंद रुपयों की खातिर अपना मुंह बोला बेटी को बेच दिया। तेरे जैसे घटिया से अपन को कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। किसने किया ये खून? ये खून अपन किया इंस्पेक्टर। हवलदार। यस सर। लाश को कब्जे में लेकर इस लड़की को हिरासत में ले लो। ओके सर। ये कातिला है जनाबे वाला, मेरी मौजूद अदालत से दरखास्त है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल जनाबे वाला। मेरे फाजिल दोस्त हकायक जाने बगैर मेरी मौकला को मुजरिम साबित करना चाहते हैं। सच तो यह है कि वकूए की रात
मुर्जमा के बाप गफूरा ने मकतूल बशीरा से बानो की इज्जत की कीमत ली। वो अपनी हवस में अंधा होकर इसकी इसकी इज्जत लूटना चाहता था। चाचा, इसने उसकी पिस्तौल पकड़कर उस पर गोली चला दी सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। जनरल वाला, आप बताइए, इज्जत बचाने के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन में चलाई हुई गोली क्या मेरी मोखला को कातिल साबित करने के लिए काफी? थैंक यू, दैट्स ऑल। जनाबे वाला, वकील सफाई शायद ये कहना चाहते हैं कि हर शहरी को चाहिए कि वो कानून हाथ में लेकर अपने फैसले खुद करे। वकील साहब रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी करने का दर्श दे रहे हैं। अगर मुलजमा बानो कानून की मदद तलब करती तो गोली चलाने की नौबत शायद हरगिज ना आती। जनाब वाला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वकील साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है वकील साहब, माफ कीजिएगा, आपकी कोई बहन है? है? अगर आपकी बहन का पाकर कोई मुजरिम उससे जबरदस्ती करना चाहे और आप वहां पर पहुंच जाएं तो क्या आप उस जबरदस्ती करने वाले को जबरदस्ती करने देंगे? पुलिस का इंतजार करेंगे? गोली मार दूंगा उसे, शूट कर दूंगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। साबित हुआ कि इज्जत बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में चलाई हुई गोली किसी की मौत का परवाना नहीं हो सकती। इसे ओपन एंड शॉट केस योराना। मेरी फाजिल अदालत से यह दरखास्त है कि मेरी मोकला को बाइज्जत परी किया जाए। थैंक यू। चले मुकदमे की तमाम कार्रवाई और वकला की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा बानो ने अपनी इज्जत का तहफ्फुज करते हुए मकतूल बशीरा को शूट कर दिया। लिहाजा यह अदालत मुलजिमा बानो को सेल्फ डिफेंस में इश्ताल का फायदा देते हुए बाइज्जत बरी करती है। आइए ना, आइए, ये है मेरा घर। बाबू जी, तू मेरे को अपने घर तो ले आए, अगर तेरा घरवाली नाराज हो गई तो? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझिए, इस घर में मैं और मेरी मुंह बोली माँ अकेले रहते हैं। आ गए बेटा? सलाम माँ जी। बेटा तुम आ गए, ये लड़की कौन है? माँ ये बानो है। माँ बानो एक बेसहारा और लावारिस लड़की है, फक की ठोकरे से हमारे घर पर ले आई है। शक्ल सूरत से तो किसी अच्छे घर की लड़की लगती है, लेकिन इसने ये हुलिया क्या बना रखा है? अरे माँ, इसका हुलिया अपने मिजाज के मुताबिक बना दीजिए ना। हुलिया बदलने से अंतर का इंच ही बदल जाता। माशाल्लाह, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। आओ बेटी, चेंज कर लो। बाबा, बाबा। जी मालिक। बाबा जल्दी से मेरे कमरे में चाय ले आएं। अच्छा जी, बिस्किट दे। Thank you.
जो कच्ची नींद जगाए, वो कौन है और क्या चाहे, ये मुझको समझना आए। वो सेज सजाना चाहे, मिलने का बहाना चाहे, वो सेज सजाना चाहे, मिलने का बहाना चाहे, किस काम में रात में गोरी, तेरी बिंदिया चुराना चाहे। हाय ओए अल्लाह, अब मैं क्या करूं, बिंदिया चोर से कैसे बचूं, ओए अल्लाह अब मैं क्या करूं, बिंदिया चोर से कैसे बचूं, मेरे ख्वाबों में कोई आए मुझे कच्ची नींद जगाए। हेलो वकील साहब, तशरीफ रखें। थैंक यू, बैठो। मिस अमीन, ये बानू ने इसके बारे में मैंने आपसे टेलीफोन पर बात की थी। हाँ हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है, आप इसे यहाँ छोड़ जाएं। अच्छा। हमारी फाइल में इसका नाम दर्ज हो चुका है, इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी।
शुक्रिया बानो, ये मिसेज अमीन है, दारुलमान की इंचार्ज है और बहुत मेहरबान खातून है। इजाज, ये दारुलमान नहीं, बेसहारा और यतीम लड़कियों का महका है और मैं इन सब की माँ हूँ। वेरी गुड मिसेज अमीन, आपके ख्याल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वकील बाबू, ये क्या है? साड़ी, अब तुम रख लो, ये उसे पहनाना जिसे तुम अपना नाम और अपने घर की छत दे सको। रंगी खान जी। मैडम, बानो को कमरा नंबर 9 में छोड़ो। अरे तू रो क्यों रही है? तुम नहीं आई हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैडम ने इस दारुल अमान को ब्राथल हाउस बना रखा है। आज रात की स्याही मेरा मुंह काला कर देगी और शायद आने वाली रात तुम्हारी आबरू का चेहरा नोच लेगी। ये धंधा कब से चल रहा है? जब से आई हूँ यही कुछ देख रही हूँ। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैडम तुम्हें भी किसी बदकिरदार के हाथों भेज देंगी। तुम्हें किसने खरीदा है? उसका नाम सैया जी है, वो दारुल अमान की बहुत सी लड़कियों को एक रात की दुल्हन बना चुका है। आज रात मेरी बारी है। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। प्यार भरे तो शर्मीले ने मुझको मिला तेरा वाह, फूलों की सेज पर तुम्हारा वजूद भी एक अध खिले फूल की तरह दिखाई दे रहा है। लगा है कि मिसेज मेन वो दलाला है जो दारुल अमान की खिड़की में बैठकर तुम जैसे कॉस्मदरी के टिकट बेचती है। साले, किस कदर वैश्य और दरिंदे हो तुम जो अपनी हवस की सेज पर आबरुओं का खून करते हो। कितने बेहया हो तुम जो गरीब लड़कियों की इज्जतों से खेलकर माशरे में शरीफ कहलाते हो। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। तेरे हाथ में लूटा हुआ ब्रीफकेस नहीं है? इस बार लौट कर जाने की उम्मीद नहीं है। तेरी छत की पनाह चाहिए बाबा, पनाह मिलेगी। अंदर आ जा बेटी, आ जा। ये घर छोटा सही, लेकिन इसकी छत तेरा सर ढांपने के लिए काफी है। सर ढांपने के लिए तेरी एक हथेली बहुत है बाबा। सर पर हाथ रख और ये हथेली मेरा नसीब कर दे। ये एक टैक्सी ड्राइवर का घर है बेटा। यहां बावर्ची खाने में बर्तन खनकने की आवाज बहुत कम आती है और तुझे भूख जरा ज्यादा लगती है।
रोजा रखने का सलीका ही तो सीखने आई हूँ बाबा। मजदूर के घर भूख भी हो बेटा तो सब्र भूखा नहीं रहने देता। लुटेरों की इस बस्ती में तेरे जैसा एक भी मुसलमान होता तो कुफर टूट जाता। आजा बेटी आजा, अपने बाबा के इस घर की उदासी का मुकद्दर बदल दे। जब तेरा बाबा घर से जाता है ना तो पीछे राह देखने वाला कोई भी नहीं होता। आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। बानो से मिला है बेटा, अब वो कैसी है? माँ जी बानो दारुल मान से दंगा फसाद करने के बाद न जाने कहाँ चली गई। नहीं बेटा, बानो लड़ाई झगड़ा करने वाली लड़की तो नहीं लगती, उसके साथ जरूर किसी न कोई जाति की होगी। नहीं माँ, आखिर बालों को क्या समझती है? बानो बानो एक सड़क छाप लड़की है, उसके माहौल ने उसे यही सिखाया है, और आप इस सड़क छाप लड़की से सच्चाई की उम्मीद क्यों करती? तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटा, बानो के चेहरे के पीछे छुपी हुई मैंने एक अच्छी लड़की देखी है, उसमें वो हर चीज मौजूद है जो मैं तुम्हारी दुल्हन में देखना चाहती हूँ। उसे तलाश करो बेटा, उसे लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अरे बानो बेटी तुम आओ बैठो। ऐसे यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती जाऊं। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। माँ जी वो बानो तुम पूछ सकता हूँ दारुल अमान से दंगा फसाद करके क्यों भागी? जिसे तुम दारुल अमान कह रहे हो वहाँ मिसेज मेन गरीब लड़कियों के इज्जतों के सौदे करती है, और अगर मैं उसके आगे सर झुका लेती तो आज मैं भी किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी कि वहां से वापस आ गई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बानो मैं तुम्हें चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज़ देना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हमीद बाबा की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। मुझे कोई इतराज नहीं, मैं कल माँ को हमीद बाबा के पास तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दूंगा। इजाज़। बानो सजन मेरा प्यार का है प्यार का बदन मेरा, अंग अंग फड़ के सजन मेरा प्यार का है प्यार का बदन मेरा, मेरा तन मन सजना ढोल गया मेरे दिल का हुक बोल गया। फड़के सजन मेरा प्यार का है प्यार का बदन मेरा, मेरा तन मन सजना ढोल गया मेरे दिल का हुक बोल पाया।
की जैसे डाले तेरे होठों को तरस रही है मेरे होठों की लाली ये नशा तू कैसा भूल गया मेरे दिल का कुछ बोल पाया करीम का शादी के लिए इसरार बढ़ता जा रहा है लेकिन तुम्हारी गुमराही मुझे इकरार का मौका नहीं दे रही तो फिर आप इनकार कर दे पापा मैं रुखसार से शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा बदनामी के सफर से लौट आओ समीर और अपना आइडियल बदल लो मैं सब कुछ भूल सकता हूं पापा लेकिन अपना आइडियल नहीं बदल सकता अगर उस दिन हम वक्त पर ना पहुंचते तो तुम्हारा आइडियल तुम्हारी मौत बन जाता जब तक वक्त ना आ जाए मौत जिंदगी की खुद हिफाजत करती है पापा ना फरमान औलाद मौत से बदतर होती है समीर सेठ गरीब मेरा दोस्त और मेरा कारोबारी साथी है अगर वो रूठ गया तो हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे समीर नहीं करेंगे अंकल समीर आपका इकलौता बेटा है इसकी जिंदगी को अपना कारोबार मत बनाइए इजाज दोस्ती रोशनी की तरह होती है मगर तुम समीर को अंधेरों की तरह धकेलना चाहते हो अंकल मोहब्बत उजालों का दूसरा नाम है अगर एक नाचने वाली को आपके खानदान का नाम मिल जाए तो उसके घुंघरू की आवाज हमेशा की दम तोड़ देगी हमें अपनी सोसाइटी में रहना है तवायफ नाम की तलवार से हम अपनी शराफत का गला नहीं काट सकते नहीं कर सकते अंकल दुनिया की पहली औरत को किसी मर्द ने ही तवायफ बनाया होगा तवायफ साथियां पैरों में घुंघरू बांध के पैदा नहीं होती अंकल अंकल प्लीज खुशबू के पांव घुंघरू उतार दीजिए और खुदा के लिए उसे अपने बहू बना लीजिए मैं अपनी शराफत का पल्लू किसी बदनाम अच्छे से नहीं बांध सकता इजाज पत्थरों से सिर्फ सर फोड़ा जा सकता है कोई मुराद हासिल नहीं की जा सकती समीर मत भूलो कि हम तुम्हारे बाप हैं आप भी मत भूलिए कि मैं आपका बेटा हूं खुशबू के वजूद से आपका घर जरूर बहकेगा वो आपकी बहू ना सही मेरी बीवी बनके आपके इस घर में जरूर आएगी जरूर आएगी चलो इजाज Thank you.
कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम वो हसीन फितना हो जिसके सुर्ख जंजीर बनकर शरीफ सादों को अपना कैदी बना लेती है। शिकवा करने आई हो तो अपना नाम भी बता दो। शरीफ सादी हूं, किसी तवायफ को अपना नाम नहीं बताऊंगी। अपनी शराफत पर इतना नाज है तो इस कोठी पर क्यों आई हो? जिसका जो कुछ जहां गुम हो जाए वो उसे वहीं तलाश करने आता है। क्या खो गया है तुम्हारा? आवारगी की उंगली थाम कर मेरा प्यार तुम्हारे बदनाम कोठी पर चढ़ाया है। जो लोग अदाओं और नखरों के समंदर में डूब जाते हैं उन्हें किनारे पर खड़े हुए लोग दिखाई नहीं देते। जाओ और अपनी बदनसीबी पर मातम करते हुए वापस लौट जाओ। अपनी झूठी अदाओं का बंधन तोड़कर मेरा प्यार आजाद कर दो, इसलिए कि एक शरीफ लड़की का प्यार ही उसका सिंघार होता है। ये वो बाजार है जहाँ किसी का प्यार बेवफाई की चादर में रात को मुंह छुपा कर आता है और सुबह होने से पहले वापस लौट जाता है। तुम्हें जिसकी तलाश है उस बेवफा का नाम बताओ। मेरे प्यार का नाम समीर है। लेकिन तुम तो कारोबार करती हो, प्यार का मतलब क्या जानो? तुमने ठीक कहा, लेकिन जब कोई मर्द किसी कोठे वाले को अपने प्यार का इतबार दिलाता है तो पल दो पल का ये धोखा तवायफ इसलिए खा लेती है कि वो भी एक औरत होती है। नहीं, कोई औरत किसी दूसरी औरत के माथे का झूमर अपने माथे पर नहीं सजा सकती। ये हरकत सिर्फ तवायफ कर सकती है। तवायफ मत भूलो शराफत बीबी, समीर इस कोठे का तमाशबीन ही नहीं मेरा प्यार भी है। तुम तो दुकान सजाकर बैठी हो, तुम्हारे पास कोई और कहाँ कहाँ जाएगा, लेकिन समीर मेरी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द है। मुझे मेरा समीर वापस कर दो। मैं समझी तुम समीर को मुझसे छीनने आई हो, लेकिन न जाने क्यों मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकी। तुम्हारा प्यार तुम्हें मुबारक हो, मैं वादा करती हूं आज के बाद समीर इस कोठे पर कभी नहीं आएगा। बहन, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं भूल गई थी कि कोठों पर भी औरतें रहती हैं। पत्थर की मूर्तियां नहीं। तुम जाओ, यहां बैठो। नहीं नहीं, यहां बैठो, बल्कि यहां नहीं वहां बैठो। जी जगह ठीक है, यहां बैठो। पूछ सकता हूं, अपनी नफरत की उंगली थाम कर यहां आई हो या मेरी मोहब्बत की ताकत तुम्हें यहां खींच लाई है? नफरत और मोहब्बत के फर्क को जानते हो? जानता हूं, इसीलिए तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत कदम कदम पर प्यार करने वालों से कुर्बानी मांगती है। याद रखो, मिल जाना मौत और खो देना जिंदगी है। खुशबू, तुम और यहां
नाम नाम एक जगह देखकर हैरान क्यों हो समीर? कल तक तुम इस बदमाश से नफरत करती थी और आज इसके पहलू से लगी खड़ी हो, आखिर क्यों? तुम्हारे मिजाज का मौसम क्यों बदल गया है? ना मिजाज बदला है ना मिजाज का मौसम, बस यूं समझ लो वक्त बदल गया है। नहीं, तुम नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। तवायफ का दिल और हवा का झोंका दोनों आवारा होते हैं। जाओ समीर, अपनी शराफत की दुनिया में वापस लौट जाओ और मेरे बदनाम नाम को भूल जाओ, क्योंकि नाली का पानी हमेशा गजर नहीं गिरता है। I just hate you! पापा ठीक ही कहते थे, तुम औरत नहीं तवायफ हो, तवायफ जो सोने चांदी की कब्र में अपना दिल दफन कर देती है। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। खुशबू, तुम क्या हो? मैं तुम्हें आज तक नहीं समझ सका। तवायफ हूं, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? सिर्फ इतना जान लो कि मैंने अपने दिलवास घुंघरुओं की झनकार में दफन करने का फैसला करा है। आई भी हो और जा भी रही हो, जाने वालों को कहां रोक सका है कोई? हो गया इश्क का बेड़ा पार, बाजी जीत ली मैंने यार, हो गया इश्क का बेड़ा पार। मर जाऊंगी नाम पे तेरे, बजने दे शहनाई डोली लेके आ दिलदार, डोली लेके आ दिलदार। बाजी जीत ली मैंने यार, हो गया इश्क का बेड़ा पार। मर डोली लेके आ दिलदार, डोली लेके आ दिलदार। Thank you.
सासों का एक बार छोड़ दे झगड़े कर ले प्यार मर जाऊंगी नाम पे तेरे भजने दे शहनाई डोली लेके आ दिलदार डोली लेके आ दिलदार बाजी जीत ली मैंने यार हो गया इश्क का बेड़ा पार मर जाऊंगी नाम पे तेरे भजने दे शहनाई डोली लेके आ दिलदार डोली लेके आ दिलदार आओ बेटा अबू मामा ये तुम मुझे कहां ले आए हो हम तुम्हें ऐसी जगह पे लाए हैं बेटा जहां तुम्हारी थोड़ी सी हरकत से हमारे काम में बरकत पड़ सकती है खुश आमदी खुश आमदी संजय जी आपकी तो डिश आ गई है हमारा अल्लाह ही आफिस संजय जी का सलाम कबूल हो घबराओ नहीं आराम से बैठो और इस घर को अपना ही घर समझो अबू मामा मुझे वो तुम्हारी कीमत वसूल करके जा चुकी है झूठ बोलते हो तुम ना कोई मुझे बेच सकता है और ना ही तुम जैसा दरिंदा मुझे खरीद सकता है हटो आगे से जो बिक जाते हैं वो शोर नहीं करते छोड़ो मुझे चलो बहन कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं प्लीज भाग कर कहां जाओगी खुशबू हम दुनिया के आखिरी कोने तक तेरा पीछा करेंगे ए इज्जत चाहता है तो अपने गुंडों को लेकर वापस लौट जा वरना तू जानता है मैं सरेआम तेरी तुरकत बना दूंगी दोस्तों इस आवारा हसीना से अपना पुराना हिसाब चुकाना है इसने सैया जी को चोट दी थी आज सैया जी इसे चोट देंगे उठालो इन दोनों को
चकू तेरे लिए सारा जग मार देगा खुशबू, एगाने लफड़े में अपनी टांग मत अड़ाओ चकू, वरना सैया का अजाब सहना पाओगे। सैया इन लड़कियों को छोड़ दे, खुशबू खैर नहीं मेरा प्यार है, खुशबू सैया का शिकार है, शेर का पेट न जाने दे, जो कुछ बाकी बचेगा वो तेरे लिए छोड़ दूंगा। सैया कुत्ते नहीं चक्रू, मुझे मत मार, इज्जत से जीना तो तुझे आता नहीं, गैरत से मर नहीं सीख ले। रुक जाओ इंस्पेक्टर, ये कातिल है। जग्गू मैं तुम्हें इन कतलों के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। थानेदार लाशों को कब्जे में ले लो, हवलदार लगाओ इसे हथकड़ी। चलो चक्कू। खुशबू मैं जा रहा हूं, अगर जिंदा बच गया तो वापस जरूर आऊंगा। मैं वादा करती हूं अब उस कोठी पर कभी नहीं जाऊंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं भी वादा करता हूं एक बार फांसी का रस्सा उतार कर तुझे मिलने जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। अब कहां जाओगी, खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी चली जाऊंगी। अगर कोठे पर नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ चलो, मेरे बाबा का घर बहुत छोटा है मगर उनका दिल बहुत बड़ा है, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, चलो। एक तू रो क्यों रही है, काश मेरे आंसुओं को जुबान मिल जाती तो वो चीख चीख कर मेरे अंदर कुछ शोर तुम्हें सुना देते। इस तरह आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, जो दिल कहता है कह दो, खामोश रहोगी तो दुख अंदर अंदर से बढ़ता रहेगा। बानो अगर मैंने अपना दुख उगल दिया तो मौत बाबा को निकल जाएगी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि इस घर के मालिक से मेरा क्या रिश्ता है, तेरा बाबा से क्या रिश्ता है। मैं वादा करती हूं तेरी बात मैं किसी से नहीं करूंगी। बानो बाबा मुझे गुनाहों की पोट समझकर मुझसे नफरत करता है, लेकिन मैं बाबा की बिछड़ी हुई बेटी हूं, उसके जिगर का टुकड़ा हूं। बच्ची ये क्या हार बना ली है तुमने अपनी, और महल छोड़कर इस झोपड़ी में क्यों आ बैठी हो। आई जी अब मैंने बदनामी से हर रिश्ता तोड़कर शराफत से नाता जोड़ लिया है, इसलिए दुनिया से जा सकती हो। गंदगी का फूल शराफत के जूड़े में कभी नहीं सजता बेटी, चलो आओ बाजार की रौनक तुम्हारा इंतजार कर रही है। जवान बेटी अपनी माँ के साथ जाने से इनकार कर रही है, न जाने कैसा जमाना आ गया। शमिया भाई तुम्हारी माँ है, तुम्हारी वारिस है, तुम्हें इसके साथ जाना होगा। नहीं ये मेरी माँ नहीं, डाइन है, वो दलाला है जो मेरा जिस्म बेचना चाहती है, ये मेरी वारिस नहीं। इंस्पेक्टर साहब इसके शिनाख्ती कार्ड पर मेरे भाई का नाम लिखा है, और हमारी औलादों के पास अंधेरों में आते हैं, उजाला होने से पहले चले जाते हैं, हमारा दस्तूर है हम मामू का नाम बाप की जगह लिखते हैं। चलो लड़की
इस झगड़े का फैसला अदालत करेगी। चलो बाबा, तोबा तोबा तोबा, थोड़ा सा चीज लेते हैं और इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है। क्या बात है भाई, खैरियत? हमें भाई, हमें तो आज पता चला है कि तुमने एक नाचने वाली को अपने घर में रखा हुआ है। क्या हुआ उसे? होना क्या है, लड़की की माँ पुलिस साथ लेकर आई थी और पुलिस लड़की को लेकर चली गई। मैंने कहा था ना, उस बदनामी को मेरे घर की दहलीज न दिखा। वो गंदे खून की पैदावार जाते जाते मुझे रुसवा कर गई। उसके खून को गाली मत दो बाबा। भानो, तू नहीं जानती भानो, ये शरीफों का मोहल्ला है और शरीफों के तानों का कद उनके घरों की दीवारों से ऊंचा होता है। पता नहीं अब वो मेरे बारे में क्या क्या बातें करेंगे। मोहल्ले वाले कुछ भी कहें, मगर मैं जानती हूं उसकी रगों में एक शरीफ बाप का खून दौड़ रहा है। तुम एक नाचने वाली बद किरदार लड़की की वकालत कब तक करोगी भानो? उस वक्त तक जब तक तेरी आंखों में पहचान की चमक नहीं आ जाती, जब तक तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून अपने खून की शनाख्त नहीं कर लेता, जब तक तुम अपनी बेटी को बेटी कहकर उसे सीने से नहीं लगा लेते। ये तुम क्या कह रही हो भानो? हाँ बाबा, मैं सच कह रही हूँ। खुशबू तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा अपना खून है। समीर, ये तो उसी नाचने वाले की तस्वीर है जिसने मुझे मेरी मोहब्बत वापस की। इसने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमें जाना तो चाहिए। ठीक है। इजाज़? जी माँ जी। आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? माँ, वो आपने मुझे बानो को तलाश करने के लिए कहा था ना। हाँ, बानो मिल गई है। सच? जी माँ जी। और आज इसका मैं केस लेने जा रहा हूँ। खुशबू वो बानो की मुगली बहन है। माँ देर हो जाएगी, चलता हूँ। खुदा हाफिज। जनाबे वाला, मेरी मौजिज मौकेला छमिया जान की आंखों में तैरते हुए आंसू इस बात की दलील है कि उसे अपनी नाराज बेटी खुशबू के साथ बेपनाह मोहब्बत है। जनाबे वाला, खुशबू एक जवान और खूबसूरत लड़की है। अपने लवाहकीन को छोड़कर गैरों के साथ रहने में इसकी जान और इज्जत को खतरा लाहक हो सकता है। लिहाजा मेरी अदालत आलिया से दरख्वास्त है कि खुशबू को इसकी वालिदा छमिया जान के साथ घर वापस भेज दिया जाए। दैट्स ऑल सर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त ने अदालत से दरख्वास्त की है कि खुशबू को छमिया जान का बार बार कोठा आबाद करने के लिए एक बार फिर उस गंदे बाजार में भेज दिया जाए ताकि गुलशन का कारोबार चले। साहब, खुशबू ने उस गंदे बाजार में परवरिश जरूर पाई है, लेकिन शऊर की आंख खुलते ही, पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, शऊर की आंख खुलते ही इसने उस गंदे माहौल से बगावत कर दी। जनाबे वाला, गुनाह की उस मंडी से बगावत खुशबू की शराफत का ऐलान है। और ये रेशमिया भाई, मां नहीं एक नायिका है जो अपनी इस बेटी को नचवा नचवा कर अपनी परवरिश की पाई पाई वसूल कर चुकी है। जज साहब, जज साहब, सरकार वकील साहब एक मां की तौहीन कर रहे हैं। मैं छमिया का भाई हूं, इस नाते से मैं अपनी बहन को बहुत बेहतर जानता हूं और बाजार के दस्तूर के ऐन मुताबिक इसके शनाख्ती कार्ड के वल्दियत के खाने में मेरा नाम दर्ज है। मैं इसका अपू मामू हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारी बेटी खुशबू को हमारे साथ जाने की इजाजत दी जाए।
हम और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं जिल्लत बर्दाश्त कर सकते। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, खुशबू उनके साथ उनके कोटे पे नहीं जाएगी, इसलिए कि खुशबू तोड़ चुकी है वो घुंघरू जिनका शोर उसके जमीन की आवाज को दबा देता था। छोड़ चुकी है वो बाजार जहां औरत के सर से आंचल खींच कर आज भी उसे नीलाम कर दिया जाता है। मुंह मोड़ चुकी है उस बदामी के अड्डे से जहां जवान लड़कियां तमाशबीनों की हवस का शिकार बनती हैं। जनाबे वाला, मैं इंसानियत के नाम पर मुआशरे, समाज, सोसाइटी और कानून से खुशबू के लिए चादर और चारदीवारी का हक मांगता हूं। मेरी अदालत आलिया से दरखास्त है कि खुशबू जहां रहना चाहे इसे वहां रहने की इजाजत दी जाए। थैंक यू सर, दैट्स ऑल। खुशबू, तुम कहां और किसके साथ रहना चाहती हो? अदालत के रूबरू बयान करो। जज साहब, खुशबू अपने शरीफ बाप के घर रहना चाहती है जैसा, और मैं खुशबू का बाप हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। तुम अगर खुशबू के शरीफ बाप हो तो यह बताओ कि खुशबू इतना अरसा बाजार हुस्न में क्यों रही? पॉइंट टू बी नोटेड सर। मैं वो बदनसीब बाप हूं जज साहब जिसका घर और बाल बच्चे एक मेडिकल लेबोरेटरी के क्लर्क की पेशा वराना गफलत का शिकार हो गए। कैंसर के किसी मरीज की ब्लड रिपोर्ट मेरे नाम के लिफाफे में डालकर उस गैर जिम्मेदार शख्स ने मुझे मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी से निकाल दिया। वो रिपोर्ट पढ़कर मैं खुद को कैंसर का मरीज समझ बैठा और अपनी तीनों बेटियां खुदा के नाम पर बे औलाद लोगों में तकसीम कर दिया। चाचा, मुकद्दर का सितम देखिए, तकदीर ने मेरी रात के पैरों में घुंघरू बांध दिया। आज मेरी एक बेटी कटहरे में खड़ी है, बाकी दो बेटियां और बीवी कहां है मुझे कुछ मालूम नहीं। जज साहब, ये जानकर कि वक्त ने मेरी बेटी को तवायफ बना दिया है, मेरा मर जाने को जी चाहता है। जज साहब, अगर खुदकुशी हराम ना होती जज साहब तो मैं अपने हाथों अपना गला घोट लेता, अपने हाथों अपना गला घोट लेता। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम खुशबू के बाप हो? मेरा सबूत मेरी बेटी है जज साहब। खुशबू, बताओ अदालत को कि मैं ही तुम्हारा बाप हूं। बताओ बेटी, देर मत करो, जल्दी से अदालत को बताओ कि तुम मेरी बेटी हो। जज साहब, मैं इस बुड्ढे की बेटी नहीं हूं, मैं नहीं जानती कि ये कौन है। मैं अपनी मां छमिया जान से नाराज थी, लेकिन अब मैं जान चुकी हूं कि अगर मैं इसी तरह दर बदर फिरती रही तो मेरे कई और वारिस पैदा हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी मर्जी से अपनी मां और अपने मामा के साथ जाना चाहती हूं। मुकदमे की तमाम तर कार्रवाई, वकला की बहस और खुशबू का इकरार सुनकर
कि वो अपनी मां के साथ जाना चाहती है, अदालत ये मुकदमा खारिज करती है। मेरी बच्ची, मेरी जान, सबके जाओ। शुक्र है अल्लाह का, रिस्क रोजी की मशीन वापस मिल गई। तुमने भरी अदालत के सामने झूठ क्यों बोला? बताओ मुझे, रो रो के क्यों कहा था कि तुम बाबा की बेटी हो? जो कुछ उस वक्त तुमसे कहा वो झूठ था, और जो कुछ अब कहा है वही सच है। अब उनको आज पता लगा कि तवायफ वो कंधी नानी है जिसे शराफत का पानी रास नहीं आता। जाओ और उसी गटर में गिर जाओ जो तुम जैसी गंदगी का मुकद्दर है। मैं सबके, मैं कुर्बान, शुक्र है खुदा का जान छूट गई। आ बेटा। बाबा ये सब क्या है? पानू तुमने तो कहा था कि खुशबू मेरी बेटी है। समझ में नहीं आता, जबान झूठ बोल सकती है मगर आंसू झूठ नहीं बोला करते। जा रही है बाबा, वो तुम्हारी बेटी है, उसे रोक सकते हो तो रोक लो, जाओ। खुशबू, जब तक है मेरे दम दम कभी जुदा ना होंगे हम, जब तक है मेरे दम दम कभी जुदा न होंगे हम, सुते हो मेरी आंखों में, बसे हो मेरी सांसों में, मेरे दिल की धड़कन में तुम हो, तुम हो, तुम हो। धीरे धीरे भूल
खुशबू, सैया ने आज तेरी जवानी से अपना माल वसूल करना है। अगर सबकी जिंदगी चाहती है तो मेरे साथ चलो। खामोश बदजुबान, एक बाप की जिंदगी में बेटी को बुरी नजर से देखने वाला धरती से उठ जाता है। अपने बदबख्त गुंडों की बारात लेकर वापस लौट जाओ सैया। इजाज़ ठीक कहता है सैया, ये अकेला नहीं, इसका दोस्त भी इसके साथ खड़ा है। आज दोस्ती और हमदर्दी की हर दीवार गिराकर सैया खुशबू को ले जाएगा। खुशबू अब लावारिस नहीं है, इस बानो की बहन है जो तुझे अपना जलवा दिखा चुकी है। आज ना जलवा रहेगा ना जलवा दिखाने वाली रहेगी। बाबा, मैंने वादा किया था ना खुशबू, मैं फांसी का फंदा तोड़कर भी तेरे पास आऊंगा। लो मैं आ गया। आज जग्गू ने तेरे लिए सारा जग मार दिया। इफ्तार कहां ले? छैया हवलदार लगाओ इसे हथकड़ी। खुदा का शुक्र है, हमारे मिलन का आखिरी दुश्मन कानून ने पकड़ लिया। अब हम अपनी जिंदगी इत्मीनान से गुजार सकेंगे।